आखिर क्यों देखें ये वीडियो? ये वीडियो इसलिए देखनी ज़रूरी है क्योंकि ये आपका सारा का सारा डेली इंग्लिश प्रैक्टिस जो होती है उसको कवर कर रही है। कैसे करें डेली इंग्लिश प्रैक्टिस? तो जब आप ये जैसे कि वीडियो देख रहे हैं या इस चैनल की कोई भी जब आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि रोज़ बोले जाने वाले वाक्य जो अंग्रेजी के हैं या वर्ड मीनिंग इंग्लिश वोकेबलरी हिंदी से अंग्रेजी वाक्य, उनको आप अपनी एक नोटबुक बना लें और उसमें लिखते जाएं। रोज़ एक वीडियो देखें और सेंटेंसेस को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, हिंदी वाले सेंटेंस को भी और इंग्लिश वाले सेंटेंस को भी। इस तरीके से डेली इंग्लिश प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अपना रूटीन बनाएं कि रोज़ मुझे 10 वाक्य या 10 वर्ड मीनिंग यहाँ से चैनल से देख कर लिखने हैं और उनको अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल करें अपनी भाषा में, और हो सके तो घर पर भी आपस में उन शब्दों को उन वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश जो हैं आप सीख रहे हैं जो, उनको अंग्रेजी में बोलना सीखें। क्योंकि इस चैनल पर बोलना भी जो है उसकी प्रैक्टिस भी करवाई गई है कि कैसे सही से बोला जाए किसी भी वाक्य को या किसी भी अंग्रेजी के शब्द को। सो वी कैन प्रैक्टिस बाई यूजिंग दीज वीडियोज, बाई वॉचिंग दीज वीडियोज एंड टेकिंग सेंटेंसेज एंड वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम दीज videos, or all the videos on this channel uploaded are very much useful for you, as you can write them. The content given in these videos is very much useful and you can write that content in your notebook and you can practice daily of these sentences, of the word meanings and how to speak these word meanings, or you can how to speak these sentences so that can make you fluent in speaking English. तो आप इस तरीके से इंग्लिश सीखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जब आप देख रहे हैं तो वो एक रोचक तरीका है और विजुअल्स भी उसमें दिए गए हैं तो उसको सीखना आसान हो जाता है। और सभी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, समझ भी आती है बहुत से लोगों को, बहुत से लोग लिख भी लेते हैं पर वो बोल इसलिए ही नहीं पाते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो अपना एक ग्रुप बना लीजिए, अपने